आपके मन में कभी ना कभी सवाल जरूर आया होगा कि जिन थर्ड पार्टी एप्स के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, फिर चाहे वो ग्रो ऐप हो, अप स्टॉक्स हो, एंजल वन हो, जीरोदा हो, फोन पे हो, या पेटीएम हो, या कोई भी ऐप हो जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कल को अगर वो ऐप बंद हो जाता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? कल को अगर गवर्नमेंट ने इन ऐप्स को परमानेंटली बैन कर दिया तो आपने जो अपनी मेहनत की कमाई से पैसा बचा बचा कर SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, क्या वो पैसा डूब जाएगा? अब इस बात को गलत भी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि पास्ट में कई ऐप्स के साथ ऐसा हो चुका है जिन्हें गवर्नमेंट ने इंडिया से परमानेंटली बैन कर दिया है। एक और सवाल कि आप जिस स्कीम में या जिस फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल को अगर वो फंड या स्कीम ही बंद हो जाती है तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपके पास और मेरे पास क्या ऑप्शन बचते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा, बिकॉज आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्जैक्ट पता होगा कि कल को अगर ये ऐप या फिर ये स्कीम्स बंद भी हो जाती हैं तो आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि कल को अगर ये थर्ड पार्टी एप्स बंद हो जाती हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? तो इसका सिंपल सा आंसर है, कुछ भी नहीं होगा अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये पूरा सिस्टम काम किस तरह से करता है। देखिए, आज अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप सबसे पहले उस ऐप को ओपन करेंगे जिस ऐप के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। मानकर चलते हैं कि आप अपस्टॉक्स ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अपने मोबाइल में अपस्टॉक्स ऐप को ओपन करेंगे। उसके बाद आप एक फंड को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो मानकर चलते हैं कि आपने टाटा के डिजिटल इंडिया फंड को सिलेक्ट किया अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। अब आप क्या करेंगे, आपने 1,000 रुपए अपस्टॉक्स ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए और बदले में वो जो फंड है या स्कीम है वो आपको कुछ यूनिट्स अलॉट कर देगा, और ये सारी की सारी ट्रांजेक्शंस आपको आपके अपस्टॉक्स ऐप में दिखाई देती रहेगी। अब अगर ये जो अपस्टॉक्स ऐप है जो आपको और इस स्कीम को मिलाने का काम कर रही है, मान लेते हैं कि ये ऐप आज से हमारे बीच में नहीं रहा, यानी कि ये ऐप आज से बंद हो गया है, तो अब आप किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करेंगे या उसे विड्रॉल करेंगे, अब उसके आगे के प्रोसेस को समझते हैं। तो आप सबसे पहले टाटा म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर आपको लॉग इन करने का ऑप्शन दिखेगा। तो आप वहां पर अपने पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ के साथ लॉग इन करेंगे, जो पैन कार्ड आपने अपनी KYC के टाइम पर दिया था उन्हें। तो आप जैसे ही उस फंड में लॉग इन करेंगे तो वहां पर आपको अपना फोलियो नंबर डालना होगा। फोलियो नंबर आपको तब मिलता है जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और बदले में वो फंड आपको यूनिट्स अलॉट करके देता है, तो उसी के साथ आपको एक 6 डिजिट या 8 डिजिट का फोलियो नंबर अलॉट किया जाता है। तो उस फोलियो नंबर को जैसे ही आप उस ऑफिशियल वेबसाइट पर एंटर करेंगे तो उस फंड में आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सारी इन्वेस्टमेंट आपको वहां पर शो कर जाएगी। फिर ये आपके ऊपर है कि आप उस इन्वेस्टमेंट को विथड्रॉल करना चाहते हैं या उसमें और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर उसे अभी और समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट AMC से ही म्यूचुअल फंड को परचेज करते हैं वो इस प्रोसेस को जानते होंगे, पर आपको डायरेक्ट AMC से म्यूचुअल फंड को खरीदना चाहिए या फिर थर्ड पार्टी एप्स के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आपके पहले सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पर कि आप जिस भी फंड या स्कीम में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल को अगर वो स्कीम ही बंद हो जाती है तो आप क्या करेंगे? देखिए, कोई भी स्कीम बंद होती है तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, पर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि कोई भी स्कीम बंद क्यों होती है। तो देखिए, बेसिकली दो कारण होते हैं किसी भी स्कीम के बंद होने के पीछे के। पहला कारण होता है कि वो स्कीम प्रॉफिटेबल नहीं है, यानी कि वो स्कीम प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, ना तो उससे AMC को फायदा हो रहा है ना ही इन्वेस्टर को फायदा हो रहा है, और इसी वजह से जो नई फंडिंग आने वाली होती है यानी कि जो नए इन्वेस्टर उस फंड में इन्वेस्ट करने वाले होते हैं
वो भी नहीं आ रहे होते हैं। कई बार इस कारण से स्कीम को बंद करना पड़ जाता है। दूसरा कारण होता है कि जिस फंड में आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, जैसे आपने टाटा के डिजिटल इंडिया फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया था, जो कि एक सेक्टोरल फंड है। अब सेक्टोरल फंड क्या होते हैं कि इनका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है वो 10 साल 20 साल 30 साल बाद तक के लिए ये फंड सोचकर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब जो इन्वेस्टमेंट पर उसको रिटर्न 30 साल बाद मिलने वाली थी, उसी बीच अगर कुछ मार्केट में क्रैश आता है या फिर कुछ हल्का सा भी एरर आता है तो सबसे पहले हम रिटेल इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं। तो हम वहां पर क्या करते हैं कि हम रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालना चालू करते हैं। तो फंड मैनेजर को ना चाहते हुए भी उन स्टॉक्स को बेचना पड़ता है और आपके पैसे को लौटाना पड़ता है। इस वजह से वो स्कीम कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाती है और कई बार ये कारण होता है कि उस स्कीम को बंद करना पड़ जाता है। तो सवाल ये आता है कि कल को अगर ये स्कीम बंद भी हो गई तो आपको आपके पैसे किस तरह से मिलेंगे। तो देखिए, जब भी कोई स्कीम बंद होती है तो वो दो तरीकों से बंद होती है। पहला, या तो वो पूरी तरह से बंद हो जाए, और दूसरा, या फिर वो किसी और स्कीम के साथ मर्ज हो जाए, टाई अप कर ले, या फिर अपने बिजनेस को उसको सेल कर दे, ट्रांसफर कर दे। बात करते हैं पहली सिचुएशन की कि अगर कोई स्कीम पूरी तरीके से बंद हो जाती है तो आपको आपके पैसे किस तरह से मिलेंगे। तो देखिए, जब भी कोई स्कीम पूरी तरह से बंद होती है तो सबसे पहले वो अपने सारे ऑपरेशंस को रोक देती है, अपने सारे फंक्शंस को रोक देती है। उसके बाद वो अपने सारे स्टॉक्स को सेल करना चालू करती है और आपको जो लास्ट डे की एनएवी होती है उसके बिहाफ पर आपकी जो भी यूनिट्स होती है आपको आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। बात करते हैं दूसरे सिचुएशन की, जिसमें एक स्कीम दूसरी स्कीम के साथ मर्ज हो जाती है या फिर अपने बिजनेस को किसी दूसरी स्कीम को सेल कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। तो उस केस में आपके पास जो भी यूनिट्स हैं वो सीधे सीधे ट्रांसफर हो जाती है उस नई वाली स्कीम के अंदर और आपको वहां पर कोई भी एक्सिट लोड नहीं देना है। अब ये चीज आपके ऊपर है कि आप उस नई स्कीम में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं या वहां से एग्जिट करना चाहते हैं। तो इस तरह से अगर कोई स्कीम पूरी तरह से बंद होती है तो आपको आपके पैसे आपके अकाउंट में लौटा दिए जाएंगे, और अगर कोई स्कीम अपने बिजनेस को किसी और स्कीम के साथ मर्ज करती है तो आपको नोटिफिकेशंस और ईमेल्स के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आप अपनी होल्डिंग्स को दूसरे स्कीम में देख सकते हैं। फिर आप अगर उस स्कीम में रुकना चाहें तो रुक सकते हैं या एग्जिट करना चाहें तो एग्जिट भी कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये एएमसी बिना किसी परेशानी के हमारा पैसा इतनी आसानी से कैसे लौटा देंगी। तो इसके पीछे का कारण है सेबी। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि पूरी स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करती हैं। जैसे बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई होता है, उसी तरह से सिक्योरिटी मार्केट्स को रेगुलेट करने के लिए सेबी को बनाया गया है, जिसका काम होता है इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना और सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना। आई होप अब आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल द टाइम इंक्रीज योर नॉलेज एंड बी वेल्थी।